वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस। मैं हूँ छवि सोनी और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर इशू किया है जीएसईबी बोर्ड ने, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ऑफिशियली जीएसईबी बोर्ड ने जो इशू किया है सर्क्यूलर, मैं आपको वो पूरा दिखाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2022 में जो स्टैंडर्ड 10th और 12th की एग्ज़ाम्स होने वाली है उसके लिए आपके यहाँ पर टोल फ्री नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर वो यहाँ पर इशू कर दिया गया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं ना कि सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज़ टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 14 मार्च से यहाँ पर जो है वैलिड रहेगा, यानी 14 मार्च से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये 12th अप्रैल तक रहेगा। तो अप्रॉक्स 1 मंथ तक ये अवेलेबल रहेगा आपकी हेल्प के लिए। और ये जो टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 o'clock से 6:30 का टाइम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हेल्पलाइन नंबर आपको किस तरह से यूज़फुल रह सकता है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम्स में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी हॉल टिकट से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट में, या फिर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं जीएसईबी बोर्ड को आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी जो हेल्प हो सकती है इनकी तरफ से वो की जाएगी, एज वेल एज़ ये आपको गाइड भी करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम्स है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और पेरेंट्स के लिए भी, अगर आप जैसे सेंटर तक नहीं पहुँच पाए, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, इशू हो रहा है, आपका सेंटर नंबर कहीं और डिफरेंट दिखा रहा है, आपका वहाँ पर सीट नंबर आया ही नहीं है या आपका सेंटर वही है, तो ऐसे कोई भी क्वेरीज हो, आपकी हॉल टिकट में कोई इशू रह रहा है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपर्ट काउंसलर्स अवेलेबल होंगे इन हेल्पलाइन नंबर्स पर, एज वेल एज़ साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर होंगे। जैसे किसी स्टूडेंट्स को डर लग रहा है या फिर वो नहीं जाना चाहते बोर्ड एग्ज़ाम देने में, तो पेरेंट्स इन साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करवा सकते हैं, वो उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ से बाहर आएँ और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर रहें। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे सेव भी कीजिएगा अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स में एज़ वेल एज़ अपने फ़ोन्स में, राइट। ये इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आप सभी को। तो मैं फिर से नंबर यहाँ पर आपको बता देती हूँ, 1800-233-5500 यहाँ पर नंबर है, इस तरफ आप देख सकते हैं, इसे आप सेव करके रखिएगा अपने पेरेंट्स के फ़ोन में और अपने फ़ोन में, ये कभी भी किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा सर्कुलर यहाँ पर है और मैंने आपके साथ इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दी आपको। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।